ऑफ डिस्कशन इज ऑस्टियोलॉजी। तो देन स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फोर लिम। तो फोर लिम जो है यहाँ पे ये बोवाइंस की फोर लिम है। तो फर्दर जो आप लोगों का कोर्स डिज़ाइन हुआ है वो ये है कि आप लोगों ने कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है, जिसमें आप लोग बोवाइन, इक्वाइन एंड केनाइंस। बोवाइंस ये कैटल बफलो जो हैं, इनको हम लोग जो है वो बोवाइंस यानी फोर स्टमिक की बेस पे कहते हैं। सेकंड कैटेगरी इज दैट इक्वाइन, जिसमें जो है वो हॉर्सेस, मेयर्स वगैरह जो हैं वो होंगे। और थर्ड इज दैट केनाइंस, जिसमें डॉग कैट वगैरह। तो यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में हम इन तीनों चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो दिस वन इज दैट फोर लिम ऑफ द ओक्स। तो जो आज हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है उसमें स्कैपुला। स्कैपुला इज दैट शोल्डर बोन्स, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड बोन इज दैट ह्यूमरस, दिस इज कॉल्ड आर्म बोन। थर्ड वन इज दैट रेडियस एंड अल्ना, दिस वन इज द फोर आर्म बोन। एंड देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड दिस वन इज दैट फ्लंजिस ऑफ द बोवाइंस। तो टुडे विल स्टार्ट अबाउट द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द स्कैपुला। तो फर्स्टली हम जो है वो स्कैपुला के जनरल फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंपली हम लोग जो है ये मेरे हैंड में जो आप लोगों को बोन नज़र आ रही है, दिस वन इज ओक्स। ये जो है ये जो है वो ओक्स की स्कैपुला बोन है। तो इसको हम लोग इसका जनरल डिस्कशन करते हैं, जिसमें इट हैज़ टू सर्फेसिस। ये जो आपको ये वाली सर्फिस नज़र आ रही है, दिस वन इज दैट लेटरल सर्फिस। एंड सेकेंड इज वन दैट इज दिस वन इज द मीडियल सर्फिस। इट हैज़ थ्री बॉर्डर्स, क्रेनियल बॉर्डर, दिस वन इज द शार्पर बॉर्डर एंड कॉडल बॉर्डर। कंपेरेटिव टू द क्रेनियल इज द थिकर बॉर्डर। एंड थर्ड बॉर्डर इज दैट डोर्सल बॉर्डर। एंड इट आल्सो हैज़ द थ्री एंगल्स। फर्स्ट वन इज दैट बिटवीन द क्रेनियल एंड डोर्सल बॉर्डर, दिस एंगल इट इज कॉल्ड क्रेनियल एंगल। दिस एरिया इट इज कॉल्ड एंगल। एंड सेकेंड एंगल इज दैट बिटवीन द कॉडल बॉर्डर एंड डोर्सल बॉर्डर, दिस वन इज द कॉडल एंगल। थर्ड एंगल इज दैट दिस वन, दिस इज द ग्लेनॉइड कैविटी एंड दिस एंगल इट इज कॉल्ड ग्लेनॉइड एंगल। एंड डिस्कस अबाउट द लेटरल सर्फिस। इन द लेटरल सर्फिसज हैज टू फोसाज विच वर अनइक्वली डिवाइडेड इन टू द स्पाइन। फर्स्ट फोसा दिस मीन्स दैट सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। एंड सेकेंड लार्जर एरिया विच आर कवर्ड एंड टूअर मार्क टू द कार्डल बॉर्डर, दिस वन इज द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा एंड दिस वन इज द स्पाइन। एंड ऑन द एंड ऑफ द स्पाइन इज द प्रोसेस इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियम प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोमियम प्रोसेस। एंड दिस वन इज द नेक ऑफ द स्कैपुला, दिस इज द कंस्ट्रिक्टेड एरिया, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ द स्कैपुला। अब आप लोग देखें कि दिस वन इज द सुप्रा स्पाइनेटस फोसा एंड द क्रेनियल बॉर्डर। एंड द ऑन द मार्जिन ऑफ दैट दिस वन इज द सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरोस्टी, दिस वन इज अ ग्लेनॉइड कैविटी एंड दिस ट्यूबरोस्टी इट इज कॉल्ड सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरोस्टी। एंड ऑन द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, एट द एंड ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा हेयर इज द ट्यूबरोस्टी इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरोस्टी। दिस वन इट इज कॉल्ड इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरोस्टी। एंड दिस वन इज द कॉडल, दिस वन इज द मीडियल साइड। ऑन द मीडियल साइड इज द फोसा इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड सब स्कैपुलर फोसा। ऑन मीडियल साइड इट हैज टू सेरेटेड फेसेस विच हेल्प फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। एंड दिस वन इज द सब स्कैपुलर फोसा, दिस वन इज द सेरेटेड फेसेस। एंड ऑन द एंड ऑफ द मीडियल साइड हेयर इज द प्रेजेंट वन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड कोराकाइड process. And on the end of the glenoid cavity here is the notch is present, this one is it is called glenoid notch. So this is all about the general features. This is the vascular lines present on that area.
एंड दिस इज द जनरल फीचर ऑफ द स्कैपुला. नाउ वी कंपेयर बोवाइन, इक्वाइन एंड कैनाइन. दिस वन इज दैट मोन ऑफ द बोवाइन, दिस इज द इक्वाइन स्कैपुला एंड दिस वन इज दैट कैनाइन स्कैपुला. तो यहाँ पे अब हम जो है इनके डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली बोवाइन की है, ये इक्वाइन की है और ये जो है वो कैनाइन की है. तो फर्स्ट थिंग दैट इज दैट डोर्सल बॉर्डर इज वाइडर. वाइडर से जो है अगर हम लोग इसका लें, इसको कंपेयर आप करते हैं, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये वाले जो हैं बॉर्डर्स जो हैं इन केस ऑफ द बोवाइंस जो हैं, आल बॉर्डर्स बेशक वो क्रेनियल बॉर्डर है, कार्डल बॉर्डर है या डोर्सल बॉर्डर है, वो लेस थिकर हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इक्वाइंस. इक्वाइंस के आप देखें कार्डल बॉर्डर इज थिकर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ओक्स एंड क्रेनियल बॉर्डर इज आल्सो थिकर एंड डोर्सल बॉर्डर इज आल्सो थिकर इन केस ऑफ दैट इक्वाइंस. एंड सेकेंड डिफरेंस इज स्पाइंस. दिस वन स्पाइंस मेक अ एक्रोमियम प्रोसेस इन केस ऑफ द बोवाइंस, बट इन केस ऑफ द इक्वाइंस स्पाइन इज सबसाइड एंड इनडिस्टिंक्ट इन केस ऑफ द इक्वाइन. इन सिंपली शॉर्ट जो है आपको एक्रोमियम प्रोसेस जो है वो इन केस ऑफ द बोवाइन जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द स्पाइन विजिबल होगा और इन केस ऑफ द इक्वाइन जो है ये सबसाइड हो जाता है. सेकेंड थिंग इज दैट ट्यूबर स्पाइनी. ट्यूबर स्पाइनी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द इक्वाइन बट एब्सेंट इन केस ऑफ द बोवाइन. ट्यूबर स्पाइन is present in case of the equine and in case of the bovine tuber spinae is absent. And supraspinatus, this one is a supraspinatus fossa is larger in case of the equines. And in case of the bovine, supraspinatus fossa is smaller. And third thing is that glenoid notch is distinct in case of the equine, and in case of the bovines this one is the less distinct because its glenoid cavity is more circular as compared to the equine. And in between the supraglenoid tubercle and glenoid cavity is distance is more in case of the equine, but in case of the bovines supraglenoid tubercle and glenoid cavity the distance is less than and half inch, but in case of the equine it is round about 1 inch distance. And subscapular fossa is more deeper in case of the equine, but in case of the bovine this one is the less deeper. And third category, next difference is that serrated faces is more prominent in case of the equine. This one is the serrated faces, it is more prominent in case of the equine, but in case of the bovines this one is the less prominent. And next difference is that nutrient foramen is present in case of the equines on the distal third of the lateral surface, but in case of the bovines it is present lower third of the posterior border or caudal border. बोवाइंस में दिस न्यूट्रिएंट फोरामेन इज प्रेजेंट ऑन द कार्डल बॉर्डर ऑन द डिस्टल थर्ड, बट इन केस ऑफ द इक्वाइन इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल सर्फेसेस. एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कोराकाइट प्रोसेस मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ द
इक्वाइंस एंड लेस प्रोमिनेंट इन केस ऑफ द बोवाइंस. एंड दिस वन इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द इक्वाइन एंड बोवाइंस. बट in case of the canines, this is almost all about thing is parallel to the bovines, but some of the difference is present. In case of the canines, its spine is equally divided. Otherwise, all features is almost same to the bovines. It has supraspinatus fossa, infraspinatus fossa, spine, and this one is the acromion process, glenoid cavity, supraglenoid tubercle, coracoid process, subscapular fossa, serrated fasces, and this one is the dorsal border. This is all about same of the bovines.